हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के कुल 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखिए, 25 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन के सही जवाब बताने हैं, तभी आप इस टेस्ट में सफल घोषित किए जाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो देखिए, इसका पार्ट चौथा होगा। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस टेस्ट को बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392404447। इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको हमें मैसेज करना होगा और ये बताना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस पर एक ग्रुप बनाया गया है और ग्रुप में आपको 2 लाइव टेस्ट दिए जाते हैं। तो देखिए, लाइव टेस्ट देने के लिए आपको 100 रुपये पेड करने होंगे। जब आप फीस जमा कर देते हैं तब आपको डेली 2 लाइव टेस्ट हल करने का मौका मिलता है। 100 रुपये में इतना मटेरियल शायद कोई दे, पर मैं दे रहा हूं। तो देखिए, पहला लाइव टेस्ट आपका जो होगा वो 12 बजे दोपहर में होता है और दूसरा लाइव टेस्ट रात 10 बजे होता है। तो अभी के अभी सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफर कुछ समय के लिए है। तो देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो 3 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर पुट अप करना है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज वॉकर। ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICARA का मुख्यालय डॉट में है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। ऑप्शन सी, गुरुग्राम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा बताइए। ऑप्शन डी, सेटिनल द्वीप। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, पी के कृष्णमेन, बलदेव सिंह, यशवंत राव चौहान। ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिट किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। छठा क्वेश्चन देखिए, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजाणु, परागकोश, पुष्प योनि। ऑप्शन सी, परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन बी, कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग डॉट होता है, कितना होता है? ऑप्शन सी, 455 माइनस 390 nm। नवा क्वेश्चन देखिए, मक्खन डॉट का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा भैया मेरे, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन सी, पायस। वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
ऑप्शन सी सर विलियम मोरे। 11वां क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 12वां क्वेश्चन, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि योगी आदित्यनाथ का रियल नेम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, ये पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय पक्षी है सारस। 14वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सन 2000 में अस्तित्व में आया था। 16वां क्वेश्चन, 1930 में सी रमन ने डॉट 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 के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र। अगला क्वेश्चन, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए इन इक्वल म्यूजिक। 18वां क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह प्रणाली की खोज डॉट 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 किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टेनर। 20वां क्वेश्चन देखिए, डॉट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी स्टेक्सनेट। 21वां क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डॉट 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 क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी पाक जलमरुस्थम। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? ऑप्शन डी मैरीलैंड। अगला क्वेश्चन, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? ऑप्शन ए मस्कट। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ये शहर होगा, ये शहर नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में।
तो दोस्तों ये हमारे थे सामान्य ज्ञान के कुल 25 क्वेश्चन। यदि आपने 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन के आंसर सही दिए तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे इस टेस्ट में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन आपका है मनामा, ये सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।